हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के हम लोग क्लास में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में हम लोग है ना फिफ्थ यूनिट को पढ़ रहे थे। और फिफ्थ यूनिट में हम लोग ने साइकोमेट्रिक देखा था, और साइकोमेट्रिक में हम लोग सेंसिबल हीटिंग देख लिया था पिछले क्लास में सेकंड क्या, तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस का सेंसिबल हीटिंग सेकंड टाइप्स देख लिया था। तो आज हम लोग इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को देखेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेंसिबल कूलिंग, तीसरा स्टेप को खाना तीसरा उसका क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं किस पर बेस्ट। तो आपका है ना यानी कि सेंसिबल हीटिंग पर है ना, तो सेंसिबल हीटिंग पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और इस तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में बार बार आती है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। यानी फर्स्ट आपका क्या हो गया, तो फर्स्ट आपको न्यूमेरिकल किससे पूछेगा आपको कि मिक्सर ऑफ एयर स्ट्रीम एयर, उसके बाद सेंसिबल हीटिंग से, यानी कि दो टॉपिक से ही आपका न्यूमेरिकल जनरली पूछता है। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना सिक्स सेवन तक ये आपका न्यूमेरिकल उससे नहीं पूछता है ना, केवल आपको थ्योरी जान लेना है कि क्या किससे कहते हैं ना, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग सब न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। कहता 90 mm³ ऑफ एयर पर मिनट एट 20 डिग्री सी एंड द 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हीटेड अंटिल द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सी, फाइंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ हीटिंग एयर। दूसरा आप निकालने के लिए कर रहा हूँ मास ऑफ एयर पर केजी मिनट, और तीसरा आपका कर रहा हीट एडेड टू द एयर यानी कि इधर पहला कंडीशन इधर दूसरा कंडीशन डीवी वन के देख लीजिए वैल्यू कितना दिया है, तो 20 डिग्री सी, और ये आपका डीवी है ना आपका गिवन डाटा है, ये आपका दे दिया 75%, और इसको है ना 75 दे दिया, तो यहां से हम लोग पीवीएस निकाल देंगे। तो पीवीएस आपका कितना आ जाएगा 0.02337 bar। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, फाइव इजकल टू जानते हैं पीवी बटे पीवीएस, तो पीवी इजकल टू हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो फाइव गुना थे फाइव का वैल्यू 0.75 × 0.0227, तो यानी कि पीवी का वैल्यू आपका आ गया 0.0154 bar। तो इधर के लिए हमने निकाल रहे हैं ना, तो पी वन लिख देंगे, इधर के लिए निकालेंगे तो पी वन और इधर के लिए निकालेंगे तो पी टू, ये खास ध्यान रखिएगा है ना, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपके काफी मदद करेगा। तो पी डब्ल्यू बराबर 0.622 जानते हैं पी वी बटे पी टी माइनस पी वी, तो पी वी का वैल्यू यानी कि वन के लिए निकालने तो वन वन लिख देंगे और यहाँ भी वन, तो यहाँ देख लीजिए आपका डब्ल्यू वन निकल जाएगा कैसे, तो 0.022 × 0.0154। उसके बाद आपका पीटी का वैल्यू आपको बताए थे 1.0132 है ना, माइनस आपका कितना हो जाएगा 17 54 0.01754, तो यहां से आपका डब्ल्यू वन का वैल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू वन का आएगा 0.0095, तो केजी पर केजी ये आपका पहला निकल गया यानी कि डब्ल्यू निकला, ये आपका पहला नहीं निकला, आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर रहा है किसके लिए, तो आपका दो के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर रहा है ना कि आपको सेकंड फर्स्ट के लिए। तो हम लोग यहां से दो भी निकाल लेंगे है ना, यानी कि डब्ल्यू टू भी निकालने का प्रयास करेंगे, तो यानी कि 0.622 पी वी बटे पी टी माइनस पी अभी। अब देखिए आपको बताया था कि कांस्टेंट क्या होला रिलेट, सॉरी इसके पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी कांस्टेंट था, तो यानी कि डब्ल्यू वन बराबर डब्ल्यू टू लिख देंगे, तो यहां से डब्ल्यू टू का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पी वी नहीं निकल जाएगा, यानी तो पी वी देखिए कैसे निकलेगा, तो डब्ल्यू टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यानी कि 0.01095 × pt का वैल्यू आपका तो 0.0132 यानी 1 पॉइंट ना, माइनस पी वी कितना
यानी कि 0.01095 और पी भी तो बराबर। इधर देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ चल रहे हैं इधर के बाद इधर, तो ये आपका हो गया। तो अब बराबर यानी कि इसको साफा हटा ही देख, क्या हटा ही देते हैं आपको आसानी होगा समझने के लिए। तो ये आप किधर होगा यानी कि 0. देखिए 0.0105 इंटू पी टी का वैल्यू 1.0132 माइनस और पी वी का वैल्यू है, तो पी वी कितना गुना हो जाएगा, तो यानी कि 0. तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं किसी इधर माइनस में तो सर प्लस में चल जाएगा ना, यानी ऐड हो जाएगा कितना, तो 0.622 पी वी प्लस 0. कितना जाएगा 01095। तो यहाँ के यानी कैलकुलेस पी वी का वैल्यू यहाँ से निकाल जाएगा हम लोग पी वी टू का वैल्यू, पी वी टू का वैल्यू आपका निकल गया है नहीं आपका 0.0175 पी टू का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दो के लिए निकालना ना, यानी कि दो के लिए निकालना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो पी वी बटे पी वी एस, तो दो के लिए निकाल रहे हैं, तो दो पी वी किसका है, दो का है, तो 0.0175 बटे पी वी इसका, पी वी देखिए क्वेश्चन में तो आपका निकाल सकते हैं डाटा से है ना, नहीं डाटा हैंड बुक से आपका निकाल सकते हैं, यानी कि आपका पी टू का वैल्यू आपका 0.04200 इतना, तो यहां से आपका 52 का वैल्यू आपका गया 41.25%, यानी पहला आपका निकल गया है, यही आपका पहला है। इसके बाद हम लोग दूसरा में देखेंगे, दूसरा आपका क्या कह रहा है, तो आपका कह रहा है कि मास ऑफ एयर पर, मास ऑफ एयर कर रहा है ना, एट पहला में कर रहा इधर के लिए कर रहा है, तो मास ऑफ एयर एट वन, तो अभी हम पी भी बराबर हम लोग जानते हैं एम आर टी, तो एयर के लिए निकाल रहे हैं, तो ए लिख देंगे, ए लिख देंगे, ए लिख देंगे, ए और ए है ना, सभी जगह टेम्परेचर तो दोनों चूंकि सेम रहेगा, तो देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग कि एम ए का वैल्यू निकाल नहीं कर रहा ना, तो एम ए इधर छोड़ देंगे, बाकी सब टर्म को उधर भेज देंगे, तो पी ए इधर, तो देखिए यहां से, अब यहां से मेन कंडीशन है पी ए पी वी वट आपका आर ए टी, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था आपको पी टी का वैल्यू, तो पी ए प्लस क्या पी ए भी, तो पी ए का निकालना वैल्यू और पी टी का वैल्यू गिवन है, पी वी का वैल्यू, तो यहाँ से हम पी वी नहीं निकाल सकते हैं, तो पी वी निकल जाएगा आपका, यानी कि ये इसका पी टी में से पी वी घटा देंगे, किसके लिए, तो फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए पी वी कितना है, तो 0. देखिए हम सब कर देते हैं, यानी 1.0132 माइनस 0.01754। अब यहां से पी ए का वैल्यू आपका गिवन हो गया, यानी कि पी ए का वैल्यू आपका निकल गया 0.9956 है ना, यही आपका बार निकल गया। अब यहां से देखिए क्या हम लोग करेंगे, मेन कंडीशन यहां चलेंगे, अब नीचे से अब देखिए ऊपर हम लोग चल रहे हैं, तो ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहां से पी ए का वैल्यू गिवन है, पी वी का वैल्यू आपका आपका 90 मीटर की हुई है ना, ये भी आपका गिवन है, तो चलिए हम लोग यहां सोल्व करते हैं, और ये आपका पी वी एम ए इक्वल टू, अब देखिए यहां से वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.9956 90 बटे आपका आ गया 287, यानी कि 287 रिजल्ट है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू, और ये आपका 293 इधर के लिए निकालेंगे ना, यानी देखिए कितना जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आपका 273 प्लस 20 डिग्री बराबर कितना जाएगा 293 के ना, तो यानी 293, तो यहाँ से एम ए का वैल्यू आ गया आपका कितना, तो 106.54 केजी पर मिनट, यही आपका निकाल लिया दूसरा। अब तीसरा में हम लोग चलेंगे हीट एडेड कह रहा, हीट एडेड
हम लोग जानते हैं हीट एट बराबर एम मास इनटू क्या, तो डेल एंथैल्पी में चेंज इन एंथैल्पी, तो एच टू माइनस एच वन हो जाएगा है ना, तो एच वन एच टू का वैल्यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एच वन के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे 1.005 इंटू टी वी प्लस डब्लू वन इंटू 2500 प्लस 1.88 डीबी टू है ना, ये आपको बताया था फॉर्मूला। तो यहां से वैल्यू कोट कीजिएगा सभी का, इसका भी गिवन है, यानी किसके लिए वन के लिए निकाल रहे हैं, तो वन के लिए वैल्यू 20 लगाएंगे, और डब्ल्यू वन के लिए डब्ल्यू वन का वैल्यू, तो यहां से एच वन का वैल्यू आ जाएगा, एच वन का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना 47.88 किलो जूल पर केजी। उसके बाद एस टू का वैल्यू उसी तरह से निकलेगा, तो एस टू का वैल्यू आपका आ जाएगा 58.14 किलो जूल पर केजी। तो आपको हीट एडेड निकालने के लिए कह रहा, हीट एडेड बराबर आपको मास निकला कितना, यानी कि 106.56 इंटू, अब चेंज इन एस टू माइनस एस वन कर रहा है, यानी कि 58.14 माइनस कितना घट जाएगा, तो 47.88। यहां से हीट आपका, तो यानी घटा देंगे तो यहां से नहीं निकल जाएगा हीट एडेड, यानी कि हीट एडेड अपने आप से निकलेगा, आप ही कैलकुलेशन खुद से कीजिए। तीसरा टर्म निकल गया, तीसरा टर्म निकल गया है ना, यानी आपका कुल तीनों टर्म है जो हम लोगों ने अच्छी तरह से निकाल लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको आप निकालिएगा सोल्व करके, उसके बाद देखिए हम लोग कहेंगे सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग यानी कुल ठंडा करना। तो कहता है व्हेन द एयर इज पासेस थ्रू सरफेस ऑफ कूलिंग कॉइल, यानी कि जब कोई सरफेस, यानी कि जब कोई एयर क्या पासेस कहां से करता है, तो सरफेस के कूलिंग सरफेस से। तो कहता है कि व्हिच इज द ड्राई एंड जिससे वह ड्राई होता है, एंड व्हिच टेम्परेचर इज लेस देन डीवीटी ऑफ एयर, टेम्परेचर उसका डीवीटी लेस होता है, एंड बट ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर, उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या ज्यादा रहता है। फिर कहता है द रिजल्ट इन द डिक्रीमेंट इन डीवीटी इन ए ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर व्हाइल द क्या, तो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट, यानी इसके पहले सेंसिबल हीटिंग में भी आपका कौन सा कांस्टेंट था, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसमें भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी इसका बीएफ मतलब क्या होगा, बाईपास फैक्टर, बीएफ मतलब बॉयफ्रेंड नहीं समझेगा है ना, लेकिन क्या समझता है, बीएफ मतलब डायरेक्ट बॉयफ्रेंड समझता है, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, तो खैर इनसे नहीं समझना, बीएफ मतलब बाईपास फैक्टर, तो बाईपास फैक्टर क्या है, तो डीबीटी टू माइनस डीबीटी थ्री बटे डीबीटी वन माइनस डीबीटी थ्री, ये हो गया। अब उसके बाद इसे ग्राफ है ना, तो इसको बना लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरह समझ गए होंगे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, यानी चौथा साइकोमेट्रिक प्रोसेस, तो फिर है ना, तो इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।